आज हम भैंस धोने के लिए जा रहे हैं और भैंस कैसे अच्छे तरह से धोते हैं गांव घर में, ये दृश्य आपको देखने के लिए ये वीडियो में मिलता है। शुरू में भैंस है और ये भैंस को तो इसका खुट्टा है, इसको बांधना पड़ता है। पहले शुरू में हम खुट्टा बांधते हैं। अच्छा शुरू में हम इसको ऐसे करके खुट्टे को यहाँ पर बांधते हैं। और इसको पुछार का जो है इसको यहाँ लेके हमने इसको यहाँ से टाइट करके बांध देते हैं। और उसके बाद में अब हम धोने के लिए जा रहे हैं। अब इसको धोने का टाइम हो रहा है। तेल भी चाहिए, तेल चाहिए, तेल अनिवार्य चाहिए। अरे तेल ही बर्तन पहले इसको धुन धोना पड़ता है, ऐसे करके अच्छी तरह से धोना पड़ता है। धोने के बाद में अब हम इसको धोने के लिए जा रहे हैं। इसको माइक मैंने इसमें फिट करूंगा क्योंकि इसका साउंड आपको सुनने के लिए अच्छा मिलेगा। ओके अब थोड़ा सा तेल लगाएंगे, थोड़ा सा हम उसमें तेल लगाते हैं। तेल लगाएंगे आपको देखने को मिलेगा ये कैसे धोते हैं। इसको घास पानी को सीजना नहीं पड़ता है। आराम से हम इसको धोने इसको धोने के टाइम में इसको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। ये भी करना नहीं पड़ता है और मेरे को थोड़ा सा खतरा लगता है और आराम से धोने के लिए कोई भी समस्या नहीं आए इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अब इसको आपका साउंड सुनना है, साउंड कैसे आता है, इसका साउंड कितना आपको मस्तिष्क के लिए आनंद होता है ये देखना ही। और आपने आज नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में जो भैंस पालन करते हैं, भैंस पालन एक ही भैंस पालन करते हैं, दो भी नहीं होता है। और दूध खाने के लिए घर में सब कुछ दूध खाने के लिए बेचने के लिए नहीं होता है, घर में दूध खाने के लिए ये सब करते हैं। इसलिए मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। और ये जो इसका बच्चा का टाइम जो ब्याने का टाइम बोलता है समय हो गया, वन मंथ हो गया, अभी वन मंथ हो गया। अभी इसने बैसाख जेठ आषाढ़ के महीने तक दूध देता है। दूध खाने में बहुत अच्छा होता है, हल्ले के स्वास्थ्य के लिए है बहुत अच्छा।
ये भैंस ने ये पहाड़ी क्षेत्र में घास पात होता है वही घास पात खाकर दूध देता है। यहीं का कोदो मकई अनाज जो होता है उसका कूड़ो भी खाता है और इसका दूध बहुत निरोगी होता है। काटिएछ है क्या काटिएछ काटिएछ यार ध्यान रखे चाहिए यहाँ तो सकते कत्रो मेरा सर को कत्रो बीस मिनट यहाँ झन् राख्ने भनेको त्यसपछि हेर्ने गन्छु यार बिचार झन् तिमीहरू आएर हेर्यो केही देखे छ यार कि यस्तो भोरिएछ ए भोरिएछ क्या हो ठोकेमा गर्छ क्या के यस अब फेरि ए तेरि फोकेमा हालेछु कि अनि नौ मिनट अन्त चाहिँ तपाईँलाई झन् आइहाले छु कस्तो मजाले दुइएको थिएँ नि पुरै फुल भिडियो स्वाद त खिच्छु भने पनि फेरि यो नि हेरिनँ कि मैले हेऱ्यो बटन हेऱ्यो अब त थाहा हुन्थ्यो यो मैले मेरो बानी नभए होइन दुध त उही आइदियो नि त बेसी हो त यहाँ यहाँ आउँछ अलिकति बढी देखाउनलाई चाहिँ गइ गइँदो रहेछ हात्तै आउँछ के हुने या त हाल्ने अर्को त उयो पालन त लाउँदो रहेछ त्यति हो त भोर त के त्यस्तो चाहियो गणेशले कति छिट दिन्छ ल मैले बिस मिनटमा दिन्छु मलाई पनि बिस मिनट लाउँछ कि बेलुका यहाँ हाँ चाल लेनदेन क्या हिजो त त्यसै दुएछ ढुक्क भएन त्यो अघि उता गएँ यता गएँ पानी पनि दिन्छु तपाईँको दुधहरू त यहाँ 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 गनाउँछ कि हान्छ कतिचोटि नुहाउँछौ छ्या हान्छ कहिले कहिले पिसाबै पिसाब हुन्छ
हामी नि के गर्ने भन्दा हो यस्तो हो क्या यो गोठातिर गर्ने ट्याक्क त्यो त बनाए नि त ट्याक्क एउटा गर्छ गोठा गर्ने घाँस काट्ने अनि त्यो छक्क लाग्ने आउने गयो भने त्यो फ्यात्त गर्नु तल गएर मान्छे दुइटा कपडा भयो त भयो एउटा ज्याकेट जस्तो भयो मसी दिउन घाँसहरू कपडा पनि बनाउनु पुरानो हाम्रो चाहिँ त्यही हो हाम्रै हान्छ नि त पुछारले हान्छ धेरै जसले यस्तो बाँच्छ क्या कति बजीहरू सामान भर्खरै हो कि तिमीहरू आउँदै त्यो थुना आएको थियो नि त्यो सके किन अब अर्को चार घन्टा एक घन्टा लाउँछ अनि चार घन्टा सिद्धिहाल्यो कि पाँच सय हालेर त्यसरी त्यसरी जान्न पर्यो नि त्यसरी नि भिडियो फोके मसीको थुन त के हुन्छ मसीको त हेर यत्रामा है एउटाले यत्र दिन्छ हेरियो बाल्टी भनिदिएको थियो पाँच छ लिटर दिन्छ गाईले त यता तमाक्कै भयो गाई पमल हुन्छ भैँसी यस्तो त्यो त्यसै भैँसीको दुध महँगो हुन्छ गाई ठिक होइन त्यो गाई चाहिँ कटाइमा खाल्न नमिल्ने अरू फेरि निफारेसी त छर्कै निफारियो रहेछ हाम्रो त दुँदा दिउँदै अलिकति दुनियो त्यता स्याता सुत्ता गर्छ अनि अर्कातिर गयो यता दुँदै यता फेरि यसरी यति नै डरै आउँछ नि पहिला एउटा थियो दुँदा दुँदै पौडिनु पौडिहाल्छ हाम्रो त त्यति पौडिन्छ पहिला पछाडि पाँच सकेको क्या त मैले निखारेको पछाडिको बाँसो सक्यो अगाडिको मेरो पनि त्यही हो यो शक्ति सकियो नि त नि उयो क्या अब गणेशले तिन मिनट अगाडि त्यति भैँसी जति नै धेरै अलिक चाम्रो भैँसी छ नि पाँच मिनट हो न त तिन चाम्रो मैले नसकेको मैले जान्दिनँ क्या मैले पहिलेबाट त्यो उठे हात अलिक गएँ त्यही भएर हुन्छ त्यही गाडी भइ क्या अब यो तेले त राख्ने हो पख सन्त खुल्का हुने सन्चै गर्छ नि सबै किन कहाँ पाइयो आफू गाइदिनु थियो सकियो यति अरूलाई त लगाइदिनु पहिले नत्र फेरि त्यसैले नि हान्छ अनि त्यसपछि फेरि यसलाई यति अरू त्यो त यहाँसम्म पऱ्यो निकालिदिएको छु अब यो पुछारलाई यस्तो भोल्नु अब आफैको काम त हल्का हाल यति त कुट्यो है मैले